अज बाबा शेख फरीद जी दे आगमन पुरब की शुरुआत श्री सुखमनी साहब जी दे पाठां दे भोग पा के कीती गई है। दस दिए इस बार 19 सितंबर तो 23 सितंबर तक फरीदकोट विखे बाबा शेख फरीद जी का आगमन पुरब बहुत ही श्रद्धा और उत्साह नाल मनाया जाएगा। इस दौरान कई धार्मिक सभ्याचारक प्रोग्रामा तो इलावा नाटक मेले और खेड मुकाबले भी करवाए जाएंगे जिन्हां नूं लैके तैयारियां मुकम्मल कर लिया गई ने। ता आओ तुहानू भी कराने आ दर्शन। संग राम आठ पहर हर का नाम नहीं मो माया का संग न ले अंधकार दीपक पर जासे। समूह इलाका निवासियों जिला फरीदकोट के वासियों तो पूरे पंजाब के वासियों बाबा फरीद आगमन पुरब की आगमन से सारियां नूं बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदी हां। तो मैं सारे पंजाब के वासियों नूं इहदा सद्दा भी दिंदी हां कि वह इस मेले में आउण शिरकत करन ते इत्थे आ के बाबा जी का मेरा भरा हाथ अपने उत्ते रखवाउण। इस दे नाल ही मेरी सारियां नूं यह भी गुजारिश रहेगी कि इस पूरे मेले की जिहड़ा 10 दिनों का मेला है उहदे विच जिहड़े भी लोग भाग ले रहे हैं वह इस प्रोग्राम की इस मेले की मर्यादा नू शालीनता नू बरकरार रखने विच साडा सहयोग दे। धन धन बाबा शेख फरीद जी की बाणी है वो लगभग 850 साल तो इस दुनिया के मनुखन मनुखा जीवन जीवन की जांच और यह जो जोड़ मेला है ये बहुत कुछ होंगे धर्म के नाँ के उत्ते सारा कुछ असी प्रचार करते हैं और लोगों को गल दसद जो उन्हों का जीवन असल फलसफा की है। अज मनुख कराहे पिया होया भावें साइंस ने बहुत तरक्की की है पर जितों तक गुरबाणी है अध्यात्मक ज्ञान है वह बहुत उच्चा सो इस वास्ते असी कोशिश करते इतने कि अध्यात्मक ज्ञान दिता जाए। बाबा फरीद जी बाणी की कहती है रोटी मेरी काट दी लावा मेरी भुख जिन्ना खाधी चोपड़ी घने सहन के दुख। अज मनुख चोपड़ी खाने के चक्कर दुख भोग रहा है चाहे वह बीमारियों के रूप है तो चाहे वह करप्शन करके जेलों के धक्के खा रहे हैं बहुत उच्च उच्च अहद्या बैठे लोग। सो इस वास्ते बाबा फरीद जी की बाणी घर घर तक पहुँचाने वास्ते ये बहुत वड्डा उपराला है और मैं हर एक संगत को अपील करूंगा कि बाबा जी की बाणी तो सेध लैन और आपका जीवन शेख साहब लखां दी तादाद विच संगत आउंदी हैगी नमस्तक हुंदी हैगी है शहर दे विच सफाई दा बहुत ज्यादा ध्यान रखने दी लोड़ है की अपील करदे समाज दे क्योंकि मैं पहला तो शुरू तो मैं खुद आप ही मैं हर एक नूं कहा कि जिहड़ा बंदा जे तुसीं सफाई भी नहीं कर सकदे तां घट्टो घट गंद ना पाओ। सो इस वास्ते सारे नूं अपील करदे आ कि जिन्नी भी हो सकदा है वध तों सफाई करो क्योंकि बाबा फरीद जी दे नां नाल ही असीं जिउंदे आ जिते कि बाहर जाने साडी पहचान ही बाबा फरीद क्योंकि साडा शहर फरीदकोट है तो फरीदकोट ही कह के बुलाउंदे आ। सो इस वास्ते असी जिन्ना भी योगदान पा सकते हैं वो पाइए और इस शहर बाबा फरीद जी नाम दुनिया तक ले। आगमन पुरब 2022 ते बाबा फरीद जी के धार्मिक स्थान टिला बाबा शेख फरीद जी और गुरद्वारा गोदड़ी साहिब की समूह साध संगत जो देशों विदेशों च ते होर इलाकों के इस स्थान पर नतमस्तक हो आती है उन्होंने सारिया लख लख वधाई पेश करते हैं तो बेनती करते हैं कि इस आगमन पुरब से जोड़ा ये 28 तरीक तक चलना है इस आगमन पुरब से सारिया संगत ने शिरकत करनी। अज सवेरे पाठ श्री सुखमनी साहिब नाल टिला बाबा शेख फरीद जी के स्थान तो जो बाबा फरीद जी का चरण छोह स्थान है उतों इसका आगाज़ होया ते इस तो बाद पुस्तक मेला उसका आगाज़ होना है जो बजिंदरा कॉलेज विखे होना है अते उस तो बाद एक दो समागम होर ने। अज शाम टिला बाबा फरीद जी विखे हर साल की तरह जिहड़ा कीर्तन दरबार सजाया जाएगा शाम 7 बजे तो लैके रात 10 बजे तक।